जय माता दी। दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी। आज एक बहुत ही बड़ी खबर मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं, लेकिन इससे आप सभी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इस खबर में आग लगने के बारे में हम बात करेंगे कि माता रानी के दरबार में जब हम जाते हैं पैदल मार्ग से, तो उस पैदल मार्ग के आसपास की पहाड़ी में आग कैसे लगी। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों कि आप जानते हैं कि पैदल मार्ग पे हम जब भी जाते हैं तो कोई छोटी छोटी दुकानें होती हैं, थड़ी और स्टॉल्स वगैरह होते हैं। तो ऐसे में हुआ क्या, एक दुकान में सिलेंडर फट गया, उसमें से आग निकलने लगी। तो वहाँ जो लोग बैठे थे वो घबरा गए और उन्होंने घबरा कर वो सिलेंडर पहाड़ी के ऊपर फेंक दिया जो कि साथ में ही लगी हुई थी। और उस पहाड़ी पे काफ़ी कुछ ऐसे पौधे थे जो कि सूखे हुए थे, तो उन्होंने आग को ज़्यादा पकड़ लिया। इस वजह से आग बड़ी ही भीषण हो गई और काफ़ी तेज़ आग लोगों को देखने को मिली। लेकिन हाँ, साथ ही ये अच्छी खबर है कि उससे किसी भी यात्री को या किसी भी वहाँ के लोकल रेजिडेंशियल को कोई भी हानि नहीं हुई है। आप लोग घबराएं नहीं, माता रानी की कृपा से सब ठीक है। हाँ, लेकिन इसकी जांच की जा रही है कि आग कैसे लगी, क्योंकि देखा जाए तो वहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने तो यही बताया है कि जो सिलेंडर फटा उसको फेंक दिया गया, उससे आग बढ़ गई क्योंकि पेड़ पौधे सूखे होने के कारण। लेकिन ऐसे में अभी जो सर्दियाँ चल रही है उसमें वहाँ पर स्नोफॉल भी हो रहा है, तो इस वजह को देखते हुए जाँच अभी बाकी है दोस्तों, और आगे ही पता चलेगा कि इतनी तेज़ी से कैसे आग फैल गई और इतना बड़ा रूप आग ने कैसे ले लिया। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो पैदल यात्रा चल रही है उसमें किसी भी प्रकार की किसी को भी हानि नहीं हुई है। पैदल यात्रा को सुचारू रूप से वापस कर दिया गया है, यानी कि पैदल यात्री अब जा सकते हैं पैदल यात्रा को माता वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन करने को। साथ ही दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मौसम का हाल बहुत ही ज़्यादा ठंड वाला हो गया है, यानी कि मौसम में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। यदि आप जा रहे हैं माता वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन प्राप्ति को, तो आप अपने साथ बहुत सारे गर्म कपड़े अवश्य लेकर जाएं, और बच्चों के साथ जा रहे हैं तो फिर तो आपको लेकर ही जाने हैं। साथ ही दोस्तों ट्रेन की बात करें तो अभी फ़िलहाल के लिए ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, और उसके बारे में आप सभी को पता है कि उसके पीछे का जो है मुद्दा वो है किसान आंदोलन। जैसे ही ट्रेन से रिलेटेड हमारे पास कोई अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर से बताएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल को सहयोग प्रदान कर सकते हैं। यदि आपको चैनल के द्वारा कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप चैनल के वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। जय माता दी दोस्तों, कमेंट में अवश्य लिखें। साथ ही माता रानी आप सभी के परिवार पर कृपा बनाए रखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी दोस्तों।